दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इन दिनों अपनी सुविधाओं और स्पीड के लिए चर्चा में है, और जैसा कि आपको पता है ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन लोगों को खूब पसंद आ रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ट्रेन में इंजन नहीं होता है। यहाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे अगर इंजन नहीं होता तो फिर ये सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कैसे बनी, आखिर ये ट्रेन कैसे चलती है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, हम आपको बताएंगे वंदे भारत एक्सप्रेस कैसे 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड एकदम पकड़ लेती है और ये कितनी पावर से चलती है। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, पहली खास बात यह है कि ये ट्रेन पूरी तरह ऑटोमेटिक है। आप सोचेंगे यदि ऐसा है तो इसमें ट्रेन ड्राइवर का काम क्या है, लेकिन स्पीड के अलावा वंदे भारत की और भी खासियतें हैं। दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन है। आज तक भारत की ट्रेनों में एक अलग इंजन कोच होता है, जबकि ट्रेन 18 या में या बुलेट या मेट्रो की तरह इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत इंजन होता है जो कोच के साथ लगा होता है। बिना लोकोमोटिव वाले इंजन लैस वंदे भारत इलेक्ट्रिक ट्रेन को चलाने के लिए जो पूरा सिस्टम चाहिए वह उसकी बोगियों में फिट है। वैसे इसके लोकोमोटिव की पावर की बात की जाए तो इसका इंजन 6000 हॉर्स पावर जनरेट करता है। पर मैं यहाँ पर आपको एक खास बात बता दूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भाई, इस ट्रेन के साथ 8 डिब्बे जुड़े होते हैं और इन्हीं डिब्बों के नीचे इलेक्ट्रिक मोटर लगे होते हैं जो इसकी पावर को बूस्ट करके 12000 हॉर्स पावर तक ले जाते हैं। दोस्तों, वंदे भारत की हर बोगी के पहियों के साथ मोटर लगी हुई है और ये मोटर मिलकर ट्रेन को चलाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक इस ट्रेन को 0 से 100 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में 12000 हॉर्स पावर की ज़रूरत होती है। दोस्तों, वंदे भारत की अधिकतम रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये ट्रेन मौजूदा ट्रेनों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से चलती है और यात्रा का समय भी कम लेती है। हालांकि ट्रेन को चलाने के लिए उसमें 2 या 2 से अधिक लोको पायलट मौजूद रहते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस में पूरी तरह से ऑटोमेटिक दरवाजे और एसी कोच हैं। वंदे भारत के एसी में ऐसा एंटीवायरस एयर फिल्टर लगाया गया है जो ट्रेन में फंगल और वायरस नहीं एंटर करने देता है, यानी फंगल और वायरस को उसमें घुसने नहीं देता है। ट्रेन में पूरी तरह से एयर कंडीशनर चेयर कार कोच हैं। इनमें इकोनॉमी और एग्जीक्यूटिव क्लास के विकल्प उपलब्ध हैं। खास बात यह है गाइस कि एग्जीक्यूटिव क्लास में रिवॉल्विंग चेयर होती है जो 180 डिग्री तक घूम सकती है। वंदे भारत एक्सप्रेस की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। हालांकि ये सेफ्टी इश्यू के कारण फिलहाल 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। कई बार इस ट्रेन ने अधिकतम 160 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ी है गाइस। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो गाइस एक लाइक ठोक दीजिए।